वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज मी अलीजा। सो वेलकम टू माई बर्थडे ब्लॉग एंड करंटली इट इज 2 PM। सो लुक एट माई बर्थडे नेल्स एंड अब मैंने बर्थडे जो पैम्पर रूटीन किया था वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, तो वो जाके आप जरूर देख लेना। वो बर्थडे सीरीज की जो वीडियो है एंड उसके साथ साथ आज हम शूट करेंगे अपना बर्थडे ब्लॉग एंड देखते हैं क्या क्या होता है। एंड कोशिश करूंगी कि ये जो बर्थडे ब्लॉग है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो एंड आपको देखने में मजा आए। सो अभी मैंने थोड़ा सा स्किन केयर किया, अब हम चल के और अच्छे से अपना स्किन केयर कर लेंगे और उसके बाद हम अपना मेकअप करेंगे। देन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जब हम वेन्यू पे पहुँच जाएंगे, मीन्स आज हम अपना बर्थडे बनाएंगे रेस्टोरेंट में। सो एंड मेरी सारी फ्रेंड्स वगैरह आएंगे, उन सब से भी आपको मिलाऊंगी। सो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी ब्रेसलेट्स है एंड मैंने नेकलेस वगैरह भी किया है, मैं आपको ज़रूर शो करूँगी। गर्ल इज बैक एंड इट्स 8:49। सो इट्स स्टोरी टाइम एंड आज सो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या हुआ था। सो एज ऑलवेज जब भी कुछ हम करेंगे कुछ ना कुछ तो होता ही है। सो एंड आज का मौसम बहुत ख़राब था, आज 6 जुलाई है एंड मेरे बर्थडे पे हर बार बारिश होती है। सो वैसे ही आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई, तूफान टाइप की, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं आ पाई एंड पर मैं थोड़ी देर पहले पहुंच गई थी एंड मेरे 2-3 फ्रेंड्स लोग आ गए थे। सो हम लोग ने थोड़ा इन्जॉय किया एंड उसके बाद मेरी कोई भी फ्रेंड्स नहीं आ पाई बिकॉज इतनी बारिश हो रही थी ना। सो इसीलिए फिर उसके बाद 30 अराउंड पे बारिश थोड़ा कम हो गई। देन उसके बाद मेरी कुछ 3 फ्रेंड्स और आई एंड फिर उसके साथ मैंने केक कट किया एंड इन्जॉय किया। सो इतनी ये छोटी सी स्टोरी थी, अगर मैं ऐसा अपना दुख बताना बैठूँ ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो इसलिए बट कुछ भी हो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ एंड मेरा बर्थडे अच्छा गया है एंड मुझे अच्छा लगा एंड
होप आपको भी ये पसंद आया होगा। एंड मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पाई बिकॉज इतनी बारिश हो रही थी और मैं क्या ही व्लॉग करती। एंड जैसा भी मैंने सोचा था उस थोड़ा मतलब उस टाइप का नहीं हो पाया तो इसलिए, बट मैंने व्लॉग किया है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। होप आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ साथ आई एम हैप्पी एंड होप आपको भी पसंद आया होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड उसके साथ साथ एक चीज़ और, मैंने बोला था ना कि मुझे अपना रूम रेनोवेट, मतलब कि मुझे ऐसा कुछ स्टूडियो चाहिए या ऐसा कुछ, एंड मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि ऐसा हो जाए या फिर, पर हमने सोचा था कि बर्थडे के बाद होगा, बट इट इज़ हैपनिंग। एंड उसके साथ साथ बाहर का रूम, मतलब इतना जल्दी तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट मेरा जो स्टूडियो वाला रूम है वो थोड़ा रेनोवेट हो रहा है एंड थोड़ा थोड़ा करके हम उसको अच्छा सा अपना स्टूडियो बना लेंगे। सो होप वो भी जल्दी से हो जाए एंड आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए, मेरा बर्थडे के लिए क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम से चाहिए था कि मेरा खुद का रूम हो, स्टूडियो हो, जहाँ पर हम 24 घंटे बातें कर सके एंड मैं अपना कैमरा 24 घंटा ओपन रख सकूं। सो इट इज़ हैपनिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी। सो होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, छोटा सा ब्लॉग था एंड माय बर्थडे ब्लॉग। सो आप सबने इतनी सारी विशेस दी है, इंस्टा मेरा पूरा भर गया था। मैंने मतलब कि जो बैक स्टोरी करी है ना वो भी मैं बैक स्टोरी भी नहीं कर पाई बिकॉज थोड़ा काम था, और उसके साथ साथ इतनी सारी विशेस। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, बहुत सारे लोगों ने मुझे वहाँ पे टैग किया था एंड बाकी सब, तो आप लोग भी जाके मुझे टैग कर सकते हैं। सो ज़रूर मैं रिप्लाई बैक दे दूँगी आपको एंड दुआओं में याद रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर एवरीथिंग, जितना भी हुआ है अभी तक सब आपकी वजह से हुआ है। सो बाय बाय।